जनपद बहराइच के महिला थाने में नहीं मिल रहा महिलाओं को न्याय। ऐसा ही एक मामला जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज विकासखंड फकरपुर के ग्राम पंचायत गजाधरपुर से सामने आया है। बता दें कि पीड़िता महिला जिसका नाम रुबीना बानो है, पुत्री नानू थाना फकरपुर के ग्राम पंचायत तड़वा उजार का है। बता दें कि पीड़िता महिला रुबीना बानो 3 महीनों से काट रही है महिला थाने के चक्कर, लेकिन नहीं हो रही उसकी सुनवाई। दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही महिला पति व सास के द्वारा दहेज न देने की बात को लेकर कुछ दिन पहले महिला के ऊपर डाला गया था तेजाब। तब पिता ने डायल 112 नंबर की पुलिस मदद से अपने लड़की को 6 माह पहले ही आया था अपने घर, तब से काट रहा अपने थाना फकरपुर का चक्कर, नहीं हुई कोई सुनवाई। तब 3 माह पूर्व से दौड़ रहा है महिला थाना जनपद बहराइच, नहीं हो रही कोई सुनवाई। ना जाने अपराधियों के ऊपर क्यों प्रशासन मेहरबान। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश पारित है कि जिले का मामला जिले तक, थाने का मामला थाने तक और तहसील का मामला तहसील तक, अगर कोई पीड़िता भटकता हुआ मेरे पास आया तो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गाइडलाइन गोरखनाथ मंदिर में जारी हुआ था। सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से मीडिया प्रभारी हेड वेद प्रकाश त्रिपाठी जनपद गोंडा के साथ संवाददाता गौतम मौर्य, जनपद बहराइच की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की एक ताज़ा खबर जो उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच तहसील कैसरगंज विकास खंड फकरपुर के ग्राम पंचायत केगवा उजार के मजरा केपरा से आ रही है। ये हमारे सामने एक विवाहित लड़की बैठी हुई है जिसकी शादी 8 माह पूर्व तुलसीपुर में हुई थी और जो जनपद सरावस्ती है। चल के इससे बात करते हैं, इसको क्या समस्या है। आपका शुभ नाम क्या है? रुबीना। आपको क्या समस्या है ससुराल वालों से? मारा पीटा, दहेज का 50,000 रुपया मांगा था, गाड़ी मांगा था, बुलेट उल्टा बांध के मारा था, दाम पेट्रोल डाल दिया, तेजाब डाल दिया। क्या आपके पीक पे क्या तेजाब डाल दिया गया? ये किसने डाला था? सास नंद। सास का नाम क्या है? पुरातन। नंद का नाम क्या है? अफसाना। पत जी, पति का नाम क्या है? और कोई परेशान करता है आपको? हाँ, अच्छा अच्छा, इसके बारे में आपने कहीं कोई एप्लीकेशन दिया? मैं सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ कहाँ पर दिया, कुछ जानकारी है? बहराइच या कहीं दिया, कहाँ पर दिया बताएं? बहराइच, कहाँ कहाँ दिया एप्लीकेशन आपने? कप्तान किया दिया, महिला थाने में दिया। जी 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 जी, अच्छा, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आपके पति आपको ले जाने के लिए भी नहीं कह रहे हैं? ना ले जाने। जी 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 जी, चलिए ठीक है। अब खबर वायरल होने के बाद ये देखते हैं वो अधिकारियों के द्वारा इस पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सख्त आदेश पारित है कि महिलाओं के साथ कतई अत्याचार न किया जाए। ये एक गरीब महिला है जिसकी शादी 8 माह पूर्व में हुई थी, क्यों सही है? कितने महीने पहले हुई थी? साल भर। जी जी, देखिए एक साल बता रही है लगभग शादी के हुए हैं और पति इसका दहेज के लिए इसे प्रताड़ित करता है। चलिए अब खबर वायरल होने के बाद देखते हैं उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। जिला अभिरुचि अवधेश कुमार गौड़ की खास रिपोर्ट।